हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक एग्जांपल देखेंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूरा समझा रखा है, उसका एक डेरिवेशन भी कर रखा है, आप उधर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ये है, डिटरमाइन दी टोटल इलोंगेशन। इस पूरे बॉडी में अपन को टोटल इलोंगेशन निकालना है इन फोर्सेस के कारण। ठीक है, ए बी सी डी ई, इन तीनों को मैंने नाम दे दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, इस पॉइंट पे लग रहा है 45 किलोन्यूटन, इस पॉइंट पे 20, इस पॉइंट पे 30, इस पॉइंट पे 55 किलोन्यूटन का। ठीक है, और इनके डायमीटर है ए बी का 30 mm, इसका 35, इसका 30 mm। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, 1.2 मीटर, 1 मीटर, और अपन ई की वैल्यू दे रखी है 205 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, यानी टोटल जो फोर्सेस हैं उनका सम अपन जीरो होना चाहिए, तब जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो 45 इधर लग रहा है तो -45, 20 इधर +20, 30 इधर तो -30, और 50 इधर तो प्लस सॉरी 55 उधर तो +55। इन सब का सम किया तो आ रहा है टोटल जीरो। ठीक है, तो अपन पहले लेंगे ए बी पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे 45 किलोन्यूटन इधर लग रहा है तो 45 किलोन्यूटन इधर लगाया। उसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट पे 45 इधर लगेगा तो 45 इधर लग गया। ठीक है, अब अपन करते हैं थर्ड पार्ट की बात यानी सी डी की बात। तो इस पॉइंट पे लग रहा है 55 किलोन्यूटन इस साइड, तो इसको बैलेंस करने के लिए 55 इधर लगेगा। ठीक है, अब अपन करते हैं सेकंड पार्ट यानी बी सी की बात। सेकंड पार्ट की बात की अपन ने, तो 45 इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए 45 इधर लगेगा, तो 45 इधर लग रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे क्वेश्चन में अपन को दिखाया कि 20 किलोन्यूटन इस साइड लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 45 इधर 20 इधर, तो टोटल कितना हो गया 45 -20 तो हो गया 25। ठीक है, इधर 25 लग रहा है तो इस वाले पॉइंट पे भी बैलेंस करने के लिए 25 लगेगा। इसको अपन दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे 55 लग रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है और ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट पे 55 लग रहा है इस साइड, तो इस पॉइंट पे 55 लगेगा इधर। ठीक है, और क्वेश्चन में अपन दे रखा है कि इस पॉइंट पे 30 किलोन्यूटन लग रहा है इस साइड। ठीक है, तो 55 इधर और 30 इधर, तो टोटल कितना हो गया 55 -30 यानी 25, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, फिर अपन निकाल लेंगे A1। A1 कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। D1 अपन को दे रखा है 30 mm, और L1 अपन को दे रखी है 1 मीटर, तो उसको मैंने mm में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 1000 mm। सिमिलरली मैंने D2 निकाला, D2 निकालेंगे, डायमीटर दे रखा है 35, सॉरी D2 नहीं सॉरी A2 निकाला, डायमीटर दे रखा है 35, तो A2 अपने कैलकुलेट किया, L2 जो कि दे रखा है 1.2 मीटर, तो जो कि मैंने mm में कन्वर्ट किया तो इसका आ गया 1200 mm। सिमिलरली A3 निकाला और L3 लिख दिया, L3 अपन को दे रखा है 1 मीटर, जो L3 हो गया 1000 मीटर। ओके, फिर अपन निकालेंगे डेल वन का फॉर्मूला क्या था, पीएल अपॉन ए, तो डेल वन का क्या हो जाएगा, P1L1 upon A1E। ठीक है, तो पी जिस पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट के लिए इधर फर्स्ट पार्ट के लिए जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 45 का, 45 किलोन्यूटन को मैंने न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 45 इंटू 1000, L1 जो अपन ने पहले लिखी ली तो 1000 अपॉन A1 जो अपन ने कैलकुलेट किए और E जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो उधर से अपन ने डेल वन निकाल लिया। सिमिलरली डेल टू फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की, P2L2 upon A2E। सिमिलरली डेल थ्री निकाला, तो ये डेल वन डेल टू डेल थ्री निकाल लिया। उसके बाद अपन निकालेंगे टोटल डेल कितना होगा, डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री। ठीक है, सारी वैल्यूज रखी,
सारी वैल्यूज लिखी, इधर से अपना आ गया डेल, डेल अपना आया 0.843 mm। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।